वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स का पेपर आईसीएसई बोर्ड, जो कि हुआ था 17 फेब 2020 वाला। ठीक, तो इसमें आपके दो पार्ट्स थे। पार्ट वन जो था वो आपका कंपलसरी था, और जो आपका पार्ट टू था उसमें आपको चॉइस थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कंपलसरी वाला सेक्शन जो आपका 20 मार्क्स का था, पार्ट वन, वो डिस्कस करते हैं। इसमें था आपका क्वेश्चन नंबर वन, जो कि 10 क्वेश्चंस थे पार्ट वाइज, और वो 2-2 मार्क्स के थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका था, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो आपका फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किस किस के बीच में, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट्स के बीच में। तो आपको इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक फंक्शनल रिलेशनशिप, फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। ये तीनों वर्ड्स आपने लिख दिए होंगे डेफिनेशन में, तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट। ये क्या था? चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन था, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, और उसके 5 रीजंस थे। और उसमें जो आपका सेकंड वाला रीज़न था ना, इनकम इफेक्ट, वही आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो इनकम इफेक्ट में जब चेंज आता है, कब चेंज आता है? जब प्राइस गिरती है। और जब प्राइस गिरती है तो जो आपकी रियल इनकम होती है, सैलरी वाली मनी इनकम नहीं, रियल इनकम, यानी कि प्राइस घटने से जो आपकी रियल इनकम बढ़ती है उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। तो यही वाला जो था, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉज अ चेंज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे ही क्या होता है, प्राइस गिरती है तो रियल इनकम बढ़ जाती है, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज, और वाइस वर्सा, उल्टा हो जाता है, जब प्राइस बढ़ जाएगी तो रियल इनकम घट जाएगी। तो आपको सिर्फ इनकम इफेक्ट के बारे में यहाँ पर बताना था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं, व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ये आपका था गवर्नमेंट बजट वाले टॉपिक में से। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज द वन विच पुट्स ग्रेटर बर्डन ऑन हायर इनकम ग्रुप एंड लेसर बर्डन ऑन लोअर इनकम ग्रुप। जो कि मेनली किस पर बर्डन होता है? ये होता है आपके रिचर सेक्शन पे, और पुअर सेक्शन पे कम बर्डन होता है। या फिर किसी और वर्ड्स में बोलें तो सिंपल सी बात, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे ही वैसे जो टैक्स की परसेंटेज होती है वो भी बढ़ जाती है, जो कि अभी करेंटली इंडिया में चल रहा है, वही है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे स्लैब रेट्स जो होते हैं आपके, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ जो टैक्स होता है वो भी बढ़ जाता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। तो प्रोग्रेसिव टैक्स समझ में ही आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU पूछा गया है आपसे, और इसकी दो अजम्पशंस भी पूछी गई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस लॉ स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, और इसे हम गोसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। तो क्या था ये जो था आपका, मतलब हम जैसे जैसे स्टैंडर्ड यूनिट जैसे जैसे कंज्यूम करते जाते हैं ना, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है नेक्स्ट यूनिट में से, यानी कि जो सक्सेसिव यूनिट होती है वो हमारी जो गिरती जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके लिए बोला था उन्होंने, इसकी अजम्पशंस लिखने के लिए भी कोई भी दो अजम्पशन आपको लिखने थे। तो यहाँ पे बहुत सारी अजम्पशंस दिख रही होंगी, आपने कोई भी दो लिख दी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए, मतलब जो चाय का कप होना चाहिए, चाय के लिए चम्मच नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए यूनिट्स। और क्या बोल रहे हैं, यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं यूटिल्स में। कंजप्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी आपने दो लिख दी हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो एंड अकोमोडेटिंग। तो इसके लिए आपका ये रहा डिफरेंस पूरा। इस पूरे डिफरेंस में से आपने कोई भी एक या दो पॉइंट लिख दिए तो बहुत है, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट। तो क्या होता है ऑटोनोमस आइटम, ये आपको पता ही होगा, ये आपका अबव द लाइन होते हैं सारे आइटम्स, और ये आपके अकोमोडेटिंग जो होते हैं बिलो द लाइन होते हैं।
ये सारे ट्रांजेक्शन दोनों में होते हैं, करंट अकाउंट में भी कैपिटल अकाउंट में भी, ये सिर्फ किस में होते हैं, कैपिटल अकाउंट में। ये क्यों किए जाते हैं, तो कभी भी कर सकता है कोई भी इंडिपेंडेंट, लेकिन जब इनकी वजह से क्या होता है, जो बीओपी है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब या तो कभी सरप्लस आता है या कभी डेफिसिट आता है, तब इन आइटम्स की वजह से हमें ये करना पड़ता है। जब भी क्या होता है, बीओपी डेफिसिट या सरप्लस आता है, इनकी इम्बैलेंस आता है, तो ये आइटम्स हम क्यों करते हैं, ताकि हम बीओपी का जो इम्बैलेंस होता है उसको करेक्ट कर सकें। अगर सरप्लस आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और अगर डेफिसिट आ रहा है तो हमें बोरिंग्स लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे इंडिया का हाल ही है, हमेशा डेफिसिट आता है बीओपी और हमें बोरिंग्स पे बोरिंग्स लेनी पड़ती है। तो यही पूछ रहे हैं, ये क्या होता है, ये इकोनॉमिक मोटिव के लिए होता है, यानी कि अपना अपने पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बीओपी को बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम इंडिपेंडेंट और अकोमोडेटिंग क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीओपी बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। तो कोई भी आपने दो पॉइंट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एमपीएस, एमपीएस क्या होता है, और हाउ इज एमपीसी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और उसका रिलेशन क्या है। तो आपको ये एक क्वेश्चन जो दो दो नंबर के दिए हैं, इसमें आपको सारे ही मेनली चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछ लिया गया है। तो एमपीएस क्या होता है, एमपीएस होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या होता है, ये सिंपल सी आपका फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो इसकी डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या आता है इसका, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, बस यही आपको डेफिनेशन बना के लिख देनी थी। द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग, मतलब सेविंग में जो चेंज है, अब तो कॉमर्स वाले हैं तो इसको चेंज ही पढ़ेंगे, डेल्टा नहीं पढ़ेंगे। एंड चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम क्या होता है, चेंज इन वाई, इस कॉल्ड सिंपल सी बात, इस कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। पर ये अभी हाफ पार्ट है, अभी हाफ और रह गया। हाफ क्या था कि इनका रिलेशनशिप मल्टीप्लायर से कैसा होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बचाने पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, तो जितना ज़्यादा हम एमपीएस करेंगे, मतलब जितना हम ज़्यादा बचाएंगे, सेव करेंगे, मल्टीप्लायर उतना ही कम आएगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप, और हम बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो जितना ज़्यादा हम सेव करेंगे, एमपीएस जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, उतना ही कम लोअर क्या होगा हमारा मल्टीप्लायर, और एंड वाइस वर्सा का मतलब, अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कैसे, लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीएस, यानी कि जितना कम हम सेव करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा मल्टीप्लायर, हायर दी मल्टीप्लायर। चलो चलते हैं, ये हो गए अपने क्या, एमपीएस और एमपीएस और मल्टीप्लायर की रिलेशनशिप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी वन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो जैसे कि आपको पता होगा, मनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्टिनजेंट, लेकिन यहाँ पे आपसे पहले ही वाला सिंपल पूछा है, क्या पूछा है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, वो भी एक ही पूछा है। तो फंक्शंस क्या होते हैं मनी के, मैंने जैसे बताया बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपको लिखने थे वो प्राइमरी फंक्शन लिखने थे, कौन कौन से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मेजर ऑफ वैल्यू, इन दोनों में से आपने कोई भी एक लिख दिया होगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मनी से क्या कर सकते हैं, हम सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, वो भी कभी भी, बार्टर एक्सचेंज की तरह सेल और परचेज एक टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी सेल करो कभी भी परचेज करो। आज हम बता सकते हैं हमारी कार की वैल्यू कितनी है, 5 लाख है, 10 लाख है, तो यानी कि हम कोई भी चीज़, ये मार्कर हो, ये कॉपी हो, कुछ भी चीज़ हम किस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी में मेज़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों कौन है, सेकेंडरी फंक्शन। तो ना ही हमें सेकेंडरी फंक्शंस लिखने थे, ना ही हमें कॉन्टिनजेंट फंक्शन लिखने थे, हमें सिर्फ कौन से लिखने थे, प्राइमरी फंक्शन। तो इन दोनों में से कोई भी आपने एक लिख दिया हो। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका हो गया 7। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पर आपको दो नंबर के क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाने आ गया, वाह क्या बात है। अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन सप्लाई, बोल रहे हैं सप्लाई में चेंज आ रहा है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है वो अनचेंज्ड है।
रहा आपका आंसर. क्या बोल रहे थे वो, सप्लाई में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है. चेंज का मतलब होता है या तो सप्लाई बढ़ रही होगी या तो सप्लाई कम हो रही होगी. तो ये रही आपकी हेडिंग चेंज इन सप्लाई. तो सप्लाई एक बार आपकी यहाँ कम हो रही है और एक बार आपकी, सॉरी, एक बार यहाँ पर आपकी बढ़ रही है और एक बार आपकी यहाँ पर कम हो रही है. ठीक है, राइट पर शिफ्ट, लेफ्ट पर शिफ्ट. सप्लाई बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, लेकिन जो आपकी इसकी क्वांटिटी है वो कैसी है, अनचेंज्ड. तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो कैसी है, कांस्टेंट. तो यही आपकी दोनों सिचुएशन है. लेकिन उन्होंने क्या बोला था, एक डायग्राम बना दो, तो इन दोनों में से दोनों बना दी हो या एक बना दी हो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो क्वांटिटी में तो आएगा नहीं, तो किस में आएगा, प्राइस में आएगा. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो मेनली डायरेक्टली पूछा जाता है व्हेन डिमांड इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक. क्या आपने भी ये बात नोटिस की कि वैसे मेनली जो सैम्पल रिक्वेस्ट में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, डिमांड जब परफेक्टली इनइलास्टिक हो तब क्या होगा, है ना. तो एक बार वो बोल देते हैं डिमांड सप्लाई बढ़ रही होगी या एक बार बोल देते हैं सप्लाई घट रही होगी. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में ही पहले पहले क्वेश्चन में इतना बहुत मज़ेदार मज़ा आ गया इसको देख के. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने ये मार्कर बनाया है, इसका प्रोडक्शन किया है, तो जो भी इसमें कॉस्ट लगेगी वो क्या होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट. लेकिन इसको बेचने के लिए मैंने कटरीना से ऐड करवाया, एडवर्टीजमेंट करवाया, ठीक है, और वो इस पेन से अपनी नोटबुक लिख रही है, तो क्या होगा, वो उसको जो मैंने हायर किया होगा उसके लिए जो मैंने पैसे खर्च किए होंगे उसको हम बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट. लेकिन एक और भी चीज़ पूछी थी, उन्होंने बोला था एक मार्केट का नाम और बताओ जो क्या करता है, सेलिंग कॉस्ट करता है. तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से. क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट इनकर बाय अ फर्म विद अ व्यू टू प्रमोट सेल, सिर्फ और सिर्फ अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए जो भी करा जाता है उसे हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट. प्रोडक्शन के लिए नहीं, प्रमोट सेल्स के लिए. कैसे करते हैं हम, थ्रू पब्लिसिटी. तो ये तो आपका हो गया हाफ पार्ट. दूसरा पार्ट क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको पता होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन करते हैं ये लोग. मेनली जो कंपटीशन करते हैं वो किससे करते हैं, अपनी सेलिंग कॉस्ट बढ़ा बढ़ा के, मतलब जितना ज़्यादा हो सके एडवर्टीजमेंट करना, सेल्समैन को सैलरीज देना, इस तरीके के खर्चा करके वो क्या करते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसका जो था वो राइट आंसर था. नेक्स्ट है आपका द लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग सरप्लस. तो आपको अगर नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूला चार्ट नंबर जो 4 था आपका वो था इनकम मेथड का, और इनकम मेथड में 3 थे और जो पहला था वो था ऑपरेटिंग सरप्लस, उसी के बारे में पूछ रहा है. तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इसी को डेफिनेशन बना के लिख देना, लिख दिया ही होगा. ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. प्रॉपर्टी से उसको क्या क्या मिलता है, अगर उसके पास प्रॉपर्टी कैसी है, ज़मीन है तो उसको मिलेगी रेंट एंड रॉयल्टी, और कैपिटल है तो उसको मिलेगा इंटरेस्ट, और अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसको क्या क्या मिलेगा, उसे मिलता है प्रॉफिट. और प्रॉफिट का हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं, उसके बाद जो होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटते हैं, और जो भी हम बचाते हैं वो होता है आपका रिटेंड अर्निंग. तो यहाँ पर आपका जो पूरे 10 के 10 जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट.